गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं ओलिगोपोली में क्लीजिव ओलिगोपोली। ठीक है, तो दो तरीके की ओलिगोपोली होती है, क्लीजिव जो परफेक्ट है और जो दूसरी इम्परफेक्ट है, राइट। तो क्लीजिव ओलिगोपोली में कोलिजन का मतलब क्या है कि जब फर्म्स जो हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में ना जाकर कॉपरेट करती हैं, एक दूसरे के साथ मिल के कोल्यूजन में काम करती हैं, कॉपरेशन में काम कर रही हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ कोल्यूजन ऑफ द फर्म्स, क्या एडवांटेज है? इंक्रीज प्रॉफिट्स, उनके जो है प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। डिक्रीज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जो है कम हो जाएगी। एंड देन बेटर अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट एंट्री, यानी कि मार्केट में बाकी की जो फर्म्स हैं वो एंट्री नहीं ले पाएंगी। तो ये तीन जो है बेनिफिट्स होते हैं अगर फर्म्स मिलजुल के ओलिगोपोली में काम करती हैं। तो कोल्यूजन में भी ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का कोल्यूजन हो सकता है। एक तो परफेक्ट कोल्यूजन, जहाँ पे सब जो हैं एक दूसरे के साथ मिल के एक तरीके का एग्रीमेंट करते हैं, एक तरीके का इकट्ठा होके जो है ज्वाइंट प्राइस या आउटपुट का डिसीजन लेते हैं। एक होता है इनपरफेक्ट कोल्यूजन, जहाँ पे परफेक्शन नहीं है, जहाँ पे मे बी प्राइस लीडरशिप है, आप ये कह सकते हैं। तो पहले देखते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कोल्यूजन। परफेक्ट कोल्यूजन में क्या होता है, कार्टल बनाया जाता है। कार्टल क्या होता है? कार्टल इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट गेट टुगेदर एंड मेक जॉइंट प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि सब मिल के काम कर रहे हैं, और मिल के काम करने में क्या है, वो जॉइंट प्राइस रखेंगे अपना एक, और एक आउटपुट का डिसीजन लेंगे कि कौन सी फर्म कितना बनाएगी। अजम्पशंस लेते हैं अब इसमें। All the firms of the cartel are producing homogeneous product. एक जैसा product बनाएगी सारे firms. Market demand is the cartel's demand. जो पूरा joint demand है वही market demand होएगा. Demand at each possible price is known. हर possible price पे जो है demand पता होएगी. MC यानी कि marginal cost of all firms is also known. MC हर एक की पता होएगी. There are three firms A, B, C in the industry. ठीक है, तो अब इसी को जो है डायग्रामेटिकली देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ये है AR, दैट इज़ डिमांड कर्व भी हम इसको कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं, एंड दिस इज़ MR। ठीक है, और ये है MC, और ये जॉइंट MC है, समिशन ऑफ MC है। जब तीनों की MC को मिला के एक MC बनाई गई, ठीक है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम का क्या होता है कंडीशंस, MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया इंडस्ट्री का, और यहाँ पे जो है प्राइजेस को तय कर दिया गया, OP प्राइस बना दिए गए, ठीक है, AR, MR और जॉइंट MC के थ्रू। अब ये जो MCs हैं, दैट इज़ MC1, MC2, MC3, ये तीन अलग अलग फर्म्स की जो है MCs हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली कि किसका कितना, देखिए प्राइस तो इतना ही रहेगा क्योंकि ये इंडस्ट्री ने तय किया है, एक तरीके से इकट्ठे कार्टल ने तय किया है। ठीक है, तो MCs के अकॉर्डिंगली उनका आउटपुट जो है वो तय किया जाएगा। जैसे OA है जो फर्म A बनाएगी, OB जो है फर्म जो है बी बनाएगी, और ओ सी जो है वो फर्म सी बनाएगी अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव MC's मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो तीन फर्म्स का जो MC रहेगा वो MC 1, 2 एंड 3 तीनों को प्लस करके MC समीशन बनेगा। ठीक है, तो MC समीशन शुड बी इक्वल टू द MR, जो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, तो वहाँ पे प्राइस तय किया जाएगा। और OQ जो है वो टोटल आउटपुट बनाया जाएगा, उसमें OA प्लस OB प्लस OC इज इक्वल टू OQ होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ओलिगोपोली में जो फर्म्स है कोलिजन में काम करेंगी, इकट्ठे मिलके एक एग्रीमेंट की तरीके से काम करेंगी, राइट। अब दूसरा मॉडल है हमारे पास प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कोल्यूजन और प्राइस लीडरशिप मॉडल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इम्परफेक्ट कोल्यूजन यानी कि इकट्ठा एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ नहीं है, लेकिन एक प्राइस लीडरशिप के तरीके से है। जैसे इसमें इसको ये भी कहा जा सकता है डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल, यहाँ पे इकट्ठा एग्रीमेंट नहीं होगा बल्कि एक जो फर्म है वो एक डोमिनेंट लीडर की तरह काम करेगी, और वो लीडर जो है वो तय करेगा, उसका एक स्ट्रेटजी होएगा, लेकिन सारे इंडस्ट्रीज को फॉलो करेगी, एक जो होगा लीडर होगा, बाकी सब फॉलोअर्स होंगे। अब स्ट्रेटजी ऑफ प्राइस लीडरशिप क्या होगी, प्राइस लीडर विल नॉट चेंज द प्राइस फ्रीक्वेंटली,
बहुत जल्दी जल्दी प्राइस चेंज नहीं करेगा प्राइस लीडर। प्राइस लीडर जो है प्राइस चेंज तब करेगा जब एक्चुअली में इंडस्ट्री में कॉस्ट में या फिर बाकी चीज़ों में मार्केट डिमांड में कॉस्ट में बाकी में चीज़ों में एक्चुअली में चेंज आएगा, तब ही वो प्राइस को चेंज करेगा, जल्दी जल्दी चेंज नहीं करेगा। प्राइस लीडर विल कम्युनिकेट फ्यूचर प्राइस टू द होल इंडस्ट्री। प्राइस लीडर जो क्या करेगा, वो फ्यूचर प्राइस की आने वाले टाइम में हमने ये प्राइस रखना है, वो एंटायर इंडस्ट्री को ये बात बताएगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस लीडर डज नॉट नेसेसरली चूज अ प्राइस विच मैक्सिमाइज शॉर्ट रन प्रॉफिट्स फॉर द इंडस्ट्री। अब प्राइस लीडर क्या कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्ट रन प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए उतना प्राइस रखे। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि और इंडस्ट्री में और फर्म्स ना आए, इसलिए क्या करेगा कि चाहे शॉर्ट रन प्रॉफिट्स थोड़े कम भी हो रहे हैं लेकिन प्राइजेस को थोड़ा कम रखा जा सके। प्राइजेस को कम रखने का सिर्फ ये कारण होता है कि बाकी की इंडस्ट्रीज एंटर ना, सॉरी बाकी की फर्म्स जो हैं वो इंडस्ट्री में एंटर ना कर सके, राइट। अब इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे हमारे पास आउटपुट है, ओ वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डी और डी डैश एम आर एंड एम सी, इसको देखिए, इसको रहने दीजिए, ये इंडस्ट्री का है, ये एक फर्म का है। तो एक डोमिनेंट फर्म का दिस इज ए आर, ठीक है, और ये क्या है एम आर, और ये क्या है एम सी। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आने के बाद ये प्राइसेस तय कर दिया, ठीक है। और ये डी डी डैश जो है वो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है, तो यानी इंडस्ट्री का भी प्राइसेस उतना ही तय किया जितना कि एक डोमिनेंट फर्म ने अपने अकॉर्डिंगली जो तय किया वो पूरी इंडस्ट्री का प्राइस माना जाएगा। और ये जो एस एस कर्व है वो सप्लाई कर्व भी है और ये एम सी कर्व भी है सभी फर्म्स की मिलाने के बाद, राइट। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि देखिए एस एस कर्व के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ओ क्यू जो है वो प्राइस लीडर, जो एक लीडर है वो इतना बनाएगा, और टोटल कितना है ओ क्यू वन टोटल आउटपुट, राइट। तो यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो तकरीबन आधा आधा जो आउटपुट है वो एक प्राइस लीडर बना रहा है और उसका इतना बड़ा मार्केट शेयर है, दैट इज़ वाई वो प्राइस लीडर की तरह काम कर रहा है। उसी ने जो है प्राइजेस को तय किया है, बाकी सारी इंडस्ट्री जो है बाकी का आउटपुट बना रही है और उसी प्राइजेस पे बेच रही है जिस पे एक प्राइस लीडर बेच रहा है। तो दो तरीके थे, एक तरीका था कि एग्रीमेंट में काम कर लिया जाए, दूसरा एग्रीमेंट में नहीं, एक बड़ी फर्म है, बिग फर्म है, लार्ज है, वो प्राइस लीडर की तरह काम कर रही है, बाकी सब फॉलोअर्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज़ आ जाती है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। अब बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप क्या है, इसमें भी एक फर्म जो है प्राइस लीडर की तरह काम करती है, बट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक लार्ज फर्म हो। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये एक लार्ज फर्म थी, बैरोमेट्रिक में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लार्ज फर्म है इसीलिए एक प्राइस लीडर की तरह काम कर रही है। हो सकता है उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है उसको जो है मार्केट की ज़्यादा नॉलेज हो, उसको पता हो कि क्या बैरोमीटर रहेगा प्राइस को तय करने का, आउटपुट को तय करने का, ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। यहाँ पे भी एक फर्म प्राइस लीडरशिप में जो है प्राइस लीडर की तरह काम करेगी, बाकी फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कोई बहुत पुरानी फर्म है या फिर बहुत एक्सपीरियंस्ड फर्म है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा नॉलेज है, उसको पता है, वो इसीलिए जो है एक प्राइस लीडर की तरह काम कर रही है। तो ओलिगोपॉली में ये इस तरीके से प्राइस डिटरमिनेशन हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।